नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है। हाल ही में UPSI भर्ती को लेकर एक नोटिस बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और लगभग सभी लोग यूट्यूब पर अपनी इस नोटिस के विषय में राय दे चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं उस नोटिस के बारे में ये बता देता हूँ कि क्या वो नोटिस रियल है या फिर फेक है। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूँ कि देखिए, अभी जो आप लोगों का UPSI का मेडिकल है वो कराया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया है कि भाई इस भर्ती का मेडिकल मत कराना। कोर्ट ने 37-37 रिट के अनुसार ये कहा है कि अब जो इस भर्ती की आगे की गतिविधि होगी वो केस नंबर 37-37 के रिगार्डिंग होगी। ये नहीं कहा है कोर्ट ने कि आप लोग मेडिकल नहीं करा सकते, ऐसा नहीं कहा है। तो ये लोग मेडिकल तो करा सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा YouTube पर बस छोटी सी बात कैसे ही कहीं से मिल जाए, उसे इतना बड़ा बड़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाता है। हाल ही में ये नोटिस देखिए, किसने क्रिएट किया है, किसने नहीं किया है, ये कह नहीं सकते। और हो सकता है ये मैसेज रियल भी हो, क्योंकि ये ऑफिशियल मैसेज नहीं होते हैं, ये विभाग से विभाग को ही भेजे गए नोटिस होते हैं। तो ऐसे नोटिस का ये कथा मतलब ये पता कर पाना कि रियल है कि फेक है, बहुत ही नाम मुश्किल के बराबर है, ठीक है ना। यानी मैं कहूँ बहुत ही मुश्किल है इसके बारे में जानकारी निकालना कि रियल है कि फेक है। अब ये तो जिसने ये बनाया है या तो वो जाने, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऐसे नोटिस बनाए नहीं जा सकते, बनाए जा सकते हैं। जब अखबार में फेक खबर भर्ती को लेकर, चाहे वो यूपी पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो रेलवे की भर्ती हो, जब अखबार में उससे लेकर जो कटिंग है हूबहू बिल्कुल ऐसी बनाई जा सकती है, तो ये भी बनाया जा सकता है ये नोटिस भी। तो देखिए, मैं अभी इतना कहूँगा फिलहाल के लिए, जैसा कि ये सुनने में आ रहा था कि सितंबर के लास्ट में जो आपके एग्ज़ाम है मेडिकल एग्ज़ाम, वो कराए जा सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं कह सकता हूँ कि ये मैसेज रियल भी हो सकता है भाई, अगर वो समय है तो, क्योंकि सितंबर के लास्ट का बोला है। ये रियल भी हो सकता है और ये फेक भी हो सकता है, हम इस बात के दोनों ही पहलू लेकर चलेंगे। अब मैं कहने लगूँ कि भाई ये फेक है पूरी तरीके से, क्योंकि ऐसे मैसेज का ये कह पाना फेक है तो बहुत मुश्किल है। हाँ, एक चीज़ उसमें नोट करने की है, पत्रांक संख्या जो है उसमें नहीं पड़ी हुई है, और ये डॉक्टर वगैरह सर्जन वगैरह का दोस्तों उसमें जो आप लोगों ने देखा होगा रीज़न जो है वो सबमिट किया गया है, और ये लखनऊ जोन से जो मैसेज है वो डाला गया है। तो ऐसे में अब जो लगता है भाई, जैसे आप लोगों ने देखा होगा योगी सरकार ने 100 दिन में लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए बोला था, तो ये आगे की जो प्रक्रिया है उसे बढ़ा सकते हैं, पक्की बात है ये भी। तो भाई इसमें आप लोग दोनों ही चीज़ लेकर चलें, या तो कोर्ट उससे पहले कोई डिसीजन दे देता है तो ये रुक सकता है मेडिकल, और जिनका मेडिकल होना है वो भैया तैयार रहें, उनका मेडिकल भी कराया जा सकता है। दोनों ही चीज़ें लेकर चलें अपने साथ। इस मैसेज को आप लोग अनदेखा भी ना करें कि भाई मैसेज को अनदेखा कर दिया और मेडिकल की आप लोगों ने तैयारी नहीं की, फिर एकाएक आ गया आपका एडमिट कार्ड मेडिकल का, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों ही चीज़ें आप लोग लेकर चलें कि रियल भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। 6 सितंबर का आया हुआ मैसेज है ये, और आज लगभग 12 सितंबर हो गया, ठीक है भैया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल यही बताने के लिए आया हूँ कि आप इस मैसेज को हल्के में ना लें, ये रियल भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑफिशियल मैसेज के बारे में सबको पता चल जाता है। ये एक विभाग से है तो पुलिस विभाग, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह की जो सूचना है ना, वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग कह सकते हैं कि विभाग से विभाग में ही भेजी गई सूचना। ऐसी सूचना आप लोगों ने कई सारे देखी होंगी, ऐसे नोटिस भी कई सारे देखे होंगे, और ऐसे फेक नोटिस भी कई सारे देखे होंगे, और ऐसे रियल नोटिस भी कई सारे देखे होंगे। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, रियल भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। मेडिकल वाले मेडिकल को लेकर सतर्क हो जाएं, उनका मेडिकल भी कराया जा सकता है, और हो सकता है किसी ने मजे लेने के लिए बना दिया हो नोटिस ये,
क्योंकि जब फेक भर्ती निकाली जा सकती है यूट्यूब पे और फेक मतलब आरपीएफ की जो पोस्ट है वो निकाली जा सकती है, यूपी पुलिस की वैकेंसी निकाली जा सकती है, तो ये क्यों नहीं बनाया जा सकता, ये भी बनाया जा सकता। तो देखिए फेक बनाने से यार मिलता क्या है पता नहीं, ये दुविधा में डाल देते हैं, असमंजस में। अब एकाएक ये भी नहीं कहा जा सकता कि भी ये फेक है, क्योंकि विभाग से विभाग को भेजा गया नोटिस है। तो दोनों ही चीजें आप लोगों को साथ लेकर चल रही है, हो सकता है सितंबर के लास्ट में आपके मेडिकल भी स्टार्ट हो जाएं। मेडिकल पे कोर्ट ने रोक नहीं लगा दी है कि मेडिकल नहीं करा सकते, मेडिकल हो सकते हैं पूरे पूरे चांस हैं भैया। तो दोनों ही चीजें आप लोग साथ लेकर चलें, जिनका मेडिकल होना है वो अपनी मेडिकल की भैया तैयारी रखें, हो सकता है मैसेज रियली हो, ठीक है ना भैया। और जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं वो भैया अपना कोर्ट केस की तैयारी करो अच्छे से, ठीक है ना, ताकि कोर्ट आदेश करे तब जाकर कोई बात बने। कोर्ट ने आदेश तो दिया ही नहीं है आज तक, तो मेडिकल तो भैया करा सकते हैं। मेरी तरफ से यही अपडेट है आप लोगों के लिए। जय हिंद।